हेलो रोमी, तुम मुझे देखना चाहते थे ना? हाँ बाबा, देखना है तो फिर बाहर आ जाओ। क्या? मैं गार्डन में हूँ, बस तुम चलते आओ। कहाँ हो तुम? यहीं पर, गौर से देखो, मैं पेड़ के पीछे खड़ी हूँ। रुको 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 रुको, वहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। आंखें बंद करके वहीं पर खड़े रहो, और जब मैं कहूँ तभी आंखें खोलना। जल्दी आना। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हारे नजदीक आ गई। अब अपनी आंखें खोलो। पूरा सीन खराब कर दिया, तुम्हें यही टाइम मिला था, खाने का टाइम नहीं दे सकती थी। बॉस, इसी क्लास मत लो, ये पारो काम बहुत अच्छे से करती है। तभी तो हमारे मालिक ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया। क्या कहा? प्रेग्नेंट कर दिया? ओहो, प्रेग्नेंट नहीं किया, परमानेंट किया है। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती। चले निकल यहाँ से, तू फूलवती गर्भवती बन गई। इफ यू एडवांस में बताएंगे को प्रेग्नेंट बोलेगा तो यही होगा ना। एक काले बॉन्ड बोलिए ना बॉस, वो आज मेरे सपने में आई थी। पारो, अरे पारो, बदतमीज, बेशरम, तू सब कुछ देखने आ जाती है। शटर बंद कर, पारो नहीं है। तो कौन? वो अनामिका। अनामिका, मेरे दिल में शहनाई बज गई। आपने क्या देखा बॉस? आपने चेहरा तो देखा हो ही। कैसे देखता यार, बीच में पारो आ गई, उसने मुझे ठीक क्लाइमैक्स में उठा दिया। उठा दिया? आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है बॉस। आप उठते उठते सो जाते हैं और सोते सोते उठ जाते हैं, ये क्या हो रहा है? अबे गधे, जब सोते हैं तभी तो सपने आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बॉस, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो दिन की रोशनी में या रात की चांदनी में देखते हैं। कंफ्यूजन है बॉस, आप सो जाइए। शादी एक सफर की तरह होता है, कोई इसमें चढ़ता है, कोई उतरता है, बीचों बीच नजर होनी चाहिए। कभी अगर गाड़ी ट्रैक से उतर गई तो आपके तोते उड़ जाते हैं, और तोते उड़ गए तो फिर नहीं मिलते, समझ गए ना बॉस? निकल, फिर से हल्का होना पड़ेगा। ए पारो, क्या हुआ? बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे, लेडीज हॉस्टल जो गया है। ये अनामिका का झंडा लेके क्या कर रहे हैं? बॉस क्या है कि मैं शक्ल से तो पहचानता नहीं, इस पार्टी की मदद से ही मैं उन्हें तोड़ दिया। बॉस एक बात बताइए, आप उन्हें पहचानेंगे कैसे हैं? अनामिका उस लड़की का नकली नाम। ये तो कंफर्म है ना कि वो एक लड़की है। अब वो फोन करेगी ना तो मैं उसे बातों में उलझाऊंगा, और उसी वक्त तू हॉस्टल में घुस जाना, और जो लड़की फोन करती दिखेगी तो उसकी फोटो खींच लेना, वही छोगी अनामिका। आप एक काम कीजिए, आप उसे बातों में उलझाते रहिए, तब तक मैं हॉस्टल में जाके उसका फोटो खींचता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, बात करते करते उसे बाहर लेकर आइए, उसके बाद में उसका फोटो खींचूंगा। उधर कहाँ जा रहा है? इधर जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। हेलो, तुम्हारी ड्यूटी मेरे हॉस्टल के बाहर कैसे लग गई? अच्छा, तुम हॉस्टल में रहती हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हें रूम नंबर चाहिए या फिर मेरा फोन नंबर? कोई बात नहीं, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ये रही बॉस की छुपी हुई जाने मन, टाइम मैं बताता हूँ। वैसे फोन पे तो बात कर ही रहे ना हम लोग। इसकी तो पीठ दिख रही है, मैं सामने जाके फोटो लेता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। नो, डोंट गिव मी एनी एक्सप्लेनेशन, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो, मुझे सब पता चल गया है। आई नो यू वेंट फॉर अ मूवी विद हर। ये अंग्रेजी में बात कर रही है। आई थिंकिंग दैट शी इज द वन। पहले फोटो लेंगे और बॉस को शोइंग। लेकिन तुम सिर्फ मूवी देखने लेके गए और उसकी टिकट भी मैंने खरीदी, ये कोई बात हुई? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये तो लड़कियों का मच्छी बाजार है, अब क्या करूं? लगता है इस इंटरनेशनल जेम्स बॉन्ड की नौकरी करते करते ये देसी जेम्स बॉन्ड शादी से पहले ही घस जाएगा। क्या करूं? ले ले बेटा, सबकी ले ले। अरे आओ, बहनों बहनों, अरे
इधर आओ। बस कर, बस। बहुत शौक चढ़ा है फोटोग्राफी का, तेरी खींचो क्या? ए, दोबारा यहाँ नजर आया ना तो तेरी नाक तोड़ के रख दूँगा। नहीं लगता है किसी पागल खाने से कोई पागल छूट गया था, अब उसे वापस पागल खाने ले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, शाम को फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, करती रहो करती रहो करती रहो। इसे ठिकाने लगा देना, ज्यादा बकवास करे तो जुबान काट देना। हाँ समझा समझा। ये तो मेरा गधा जा रहा था। अच्छा मैं तुम्हें शाम को फोन करता हूँ। ए रुको, इस पागल को मैं जानता हूँ। अब मैं सिर्फ सपने में ही जेम्स बॉन्ड बन सकता हूँ। एक्टिंग मत कर बे। अरे एक्टिंग करने आती तो और एक्टिंग करता ना। ओह क्या हो गया, कपड़े क्यों फटे हुए? अरे अरे कुछ नहीं, होते समय बाथरूम में गिर गया। ऐसे कैसे गिर गए? मत बोलिए बॉस, मैं पिट के आया हूँ। पिट के आए या गिर के आए? गिरा था, उनके पैरों में भीख मांगने के लिए गिरा था, लेकिन उस मोटी वार्डन ने मेरा ऐसा कचूमर बनाया कि पूछो मत मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तुमने अपना मुंह खोल के कुछ किया क्या? अरे मैंने अपना मुंह बंद रखा था, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा होगा, इसलिए वो लोग सब मिल के मेरे पे टूट पड़े। ऐसे ऐसे पैतरे आजमाए, लाते मारी के नीचे के पंजे ऊपर पहुंच गए। मुंह बंद कर। मुंह तो बचाए बॉस, सारा काम वहीं से करना पड़ेगा। आगे की कहानी सुनाऊंगा तो तुम्हारी भी बैंड बज जाएगी, बैंड बज जाएगी। आपको इतनी चोट कैसे लग गई? अरे कैसे लग गई ये मत पूछो, कहाँ कहाँ लगी ये पूछो। अंदर से सब हरा हरा है, ऊपर से सब लाल लाल है। मोनी तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? मुझे एक फोन आ गया था इसलिए। वही फोन, उसी फोन की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। बॉस आप घबराना मत, आपका ये रहस्य सॉल्व करके ही मैं दम तोड़ूंगा। मेरी मीटिंग यहीं पे थी तो सोचा मीरा से भी मिल लूं। भूमि तुम्हारा कॉलेज कब बंद हो रहा है? अगले महीने 25 तारीख को। तो तुम उसके बाद घर चले जाना। ठीक है। अब सिर्फ मीरा के एग्जाम का इंतजार है। एग्जाम के बाद इसे लंदन जाना। जी। लंदन में ही इसकी शादी का इंतजाम करेंगे। भूमि, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम है तो मैं। अरे खड़े क्यों, बैठो ना, घबराओ मत। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ कहो ना, जो कहो। मीरा तू अपना फोन अंदर क्यों छोड़ आई? पापा ने कॉल किया है, जल्दी आ। सॉरी भूमि। कोई फोन नहीं आया तेरे लिए, मैंने झूठ बोला। इतनी रात को तू भूमि से क्या बात कर रही थी घर के पीछे? कुछ भी। मीरा तेरी हरकतें देख के मुझे डर लग रहा है, शायद तू भूल गई है कि तेरी सगाई हो चुकी है। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वरना भूमि मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। खुली आंखों से सपने मत देख, वो तुझसे प्यार नहीं करता। मीरा मैं भी मीरा नहीं रही, भूमि की प्रेमिका होना ही मेरी पहचान बन गई। उसके बिना मुझे जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? तू भूमि को जानती नहीं है क्या? वो तेरे पापा को भगवान मानता है, वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। नेवर। जरा सोचो मीरा, अगर उसे पता चल गया कि उसे तुम फोन किया करती थी तो वो तुम्हारी लव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बजाय उसे पक्का रिजेक्ट कर देगा। तुमने ये सब शुरू तो एक मजाक समझ कर किया था मीरा। उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अब मान लो ये मजाक यहीं खत्म करो।